अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। ये पहली बार मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन का रहने वाले आदमी का बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ गाय है, उसका नाम है रोहित पिक्चर में, और वो बेसिकली जैसलमेर का रहने वाला, तो जिस तरीके से बात करता है उसकी जो बिहेवियर है बहुत ही सिंपल किस्म का इंसान, कुछ हाई फैशन नहीं, कुछ बहुत ही प्लेन सिंपल। और जब आपको इस रोल का ऑफ, क्या चीज़ था इसमें जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा? मुझे उसकी कहानी अच्छी लगी थी, तो जब ये रोल ऑफर हुई थी एक इट्स अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी, और जिस तरीके से उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अलग किस्म की है, काफ़ी सरप्राइजेज आते हैं फिल्म में और फिल्म के दौरान, और जो मोमेंट्स हैं जो इस लव स्टोरी के जो मोमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें जो अमीशा का किरदार है इस लड़की का, तो जो दुर्गा है उसका उस कैरेक्टर का नाम, तो वो अंधी लड़की है, तो इस आदमी को एक अंधी लड़की से प्यार हो जाता है, और किस तरीके से फिर लव स्टोरी आगे बढ़ती है। और पहले थोड़ा पीछे रखेंगे मैं, हाँ वो सुनने के लिए मैं आगे आ जाता हूँ। अभी ज़्यादा डिटेल में घुसूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि पूरी पिक्चर आ जाएगी बाहर, तो बट रोहित इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ वेरी सिंपल, इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही लव्स दुर्गा वेरी इंटेंसली, ही फील्स वेरी बैड फॉर दुर्गा बिकॉज लॉट ऑफ बैड इंसिडेंट्स हैपन इन दुर्गाज लाइफ बिफोर ही फॉल, आई मीन व्हाइल ही इज़ इन लव विद हर, तो हिज मेन एम इज़ दैट दुर्गा शुड बी एबल टू सी वन। और जब ये रोल आपको बताया गया था तो ब्रीफिंग्स क्या दी गई थी आपको इस रोल के लिए? They just said Arjun just look very romantic and look very happy and sing your songs and that you are a little few words are few bit of the language, the Rajasthani language, वो सीखना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो dialect है जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं थोड़ी अलग किस्म की होती है, और उस हिसाब से लेकिन माहौल जो था, हम राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे जैसलमेर में, तो माहौल ही बहुत खूबसूरत था, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है इस पिक्चर में। जो कपड़े भी मैंने पहने हैं बहुत ही सिंपल किस्म के कपड़े हैं, कुर्ते ही कुर्ता और जीन्स पहने हैं ज़्यादा करके, और हाँ बहुत मज़ा आया, इट वॉज ग्रेट इवनिंग। निर्मल ने तो बहुत फिल्में की हैं, तो ही इज़ वंडरफुल, और ये जो कहानी है इट मूव्स फ्रॉम जैसलमेर एंड गोज़ टू स्विट्ज़रलैंड, तो एक दो अलग किस्म के लुक्स भी आते हैं फिल्म में, एक जो बिल्कुल अर्दी इंडियन रस्टिक वो फील है विच इज़ मोर और लेस द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म, और फिर बीच में द फिल्म ऑल्सो गोज़ टू स्विट्ज़रलैंड एंड सो दैट्स मोर मॉडर्न एंड स्नो कैप माउंटेन्स different from the desert. और आपके जो कोस्टार्स हैं बॉबी देओल और अमीशा पटेल, तो उनके बारे में experiences? बॉबी तो मेरा दोस्त बहुत पहले से है, एंड आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई रियली लव हिम एंड ही इज अ ग्रेट गाय, एंड सो इट इज़ द फर्स्ट मूवी वी डिड टुगेदर, एंड सो इट वॉज लॉट्स ऑफ फन, एंड बॉबी इज अ लॉट ऑफ फन, ही इज़ अ बडी, ही इज़ अ ग्रेट गाय, तो उनके साथ काम करते वक्त तो हमेशा मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है। अमीशा, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, इट्स माई सेकेंड फिल्म विद हर, एंड शी इज़ डन अ सुपर्ब जॉब एज अ ब्लाइंड गर्ल, एंड शी इज़ गॉट अ ग्रेट गेटअप, उनकी जो लुक है इस फिल्म में बहुत अलग किस्म की लुक है, एंड शी इज़ रियली डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने कल ही पिक्चर देखी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हाउ वेल अमीशा इज़ डन and how well the film shaped up. Well, the Moranis ke saath to main wapas bahut baar kaam kar chuka hu, lekin filmon mein nahi, zyada karke shows mein, but they are excellent producers, they are as good as they are in shows, and they don't leave anything unturned. Bahut lavishly ye film banayi hai, dil se banayi gayi hai,
and they've spent a lot of money, they've spent a lot of effort, a lot of energy in the film, and it shows on the film, it shows on screen when you see it. The locations, the sets, the art direction, everything is great. इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए कि ऐसा सीन आपका जो आपको करने में बहुत मुश्किल हो। इस फिल्म में ज़्यादा करके बहुत एक्शन तो है नहीं, क्योंकि टाइटल ही है हमको तुमसे प्यार है, तो ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन एक दो अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं इस फिल्म में जो अब्बास ने कोरियोग्राफ किए, एंड आई वर्क लॉट विद अब्बास भाई, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं राइट हैंड से मारूं तो और अच्छा लगूंगा या लेफ्ट हैंड से मारूं तो कैसे लगूंगा, तो या ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज शॉट इट वेरी वेल, और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म की एक्शन। ये फिल्म काफ़ी डी, कुछ फ़र्क पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज जी? ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता, अगर फिल्म डिले हो गई है और फिल्म फिर पुरानी लगने लगती है तो उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ, आपको अफसोस होता है कि यार आई होप ये फिल्म जल्दी बन जाए, लेकिन डिले भी हुई है बिकॉज ऑफ सिचुएशंस दैट वर आउट ऑफ पीपल्स कंट्रोल, एंड जिस तरीके से बनी है और जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है फिल्म की तरफ से, तो जब आप अभी पिक्चर देखेंगे तो और बहुत सारे सीन्स तो अभी शूट हुए, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी फ्रेश ब्रांड न्यू फिल्म, कॉन्सेप्ट इज़ फ्रेश, कहानी अच्छी है, और अगर कहानी आपको पकड़ के रखती है तो इट्स ग्रेट। आई मीन द बिगेस्ट फिल्म्स इन आवर कंट्री हैव टेकन 4-5 years टू गेट मेड एंड दे आर द बिगेस्ट हिट्स, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ क्राइटेरिया रियली। और आपको कोई ऐसा सीन जो आपको याद हो और आपको काफ़ी डिफिकल्टी में इस फिल्म में कौन सी सीन थी? आई थिंक द सीन वे दिस वन सीन जहाँ पर मैं अमीशा को उठाता हूँ और मैं उसे मंदिर की तरफ लेके जा रहा हूँ, इट्स क्वाइट अ क्लाइंब दी स्टेज, और पूरे मंदिर पे दे पुट ऑयल, तेल भर दिया था उन्होंने सीढ़ियों पर, बिकॉज दैट्स द सीन कि जो भी प्रेमी अपने प्रेमिका को उठाकर सीढ़ी पर लेके जाता है तो अगर उसके मन में खोट हो तो फिसल के गिर जाता है, तो लकली मैं फिसला नहीं, मन में खोट नहीं था, लेकिन या इट वाज डिफिकल्ट टू कैरी अमीशा ऑल द वे अप देयर।